तमाम उम्र मेरी एक मतला और एक मक्ता ही रही। तमाम उम्र मेरी एक मतला और एक मक्ता ही रही। ये चार दिन की जिंदगी थी दो लाइनों में गुजर। कुछ सोशल मुद्दों पे मैं कहना चाहता हूँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए है। ये गवर्नमेंट का सरकारी अस्पताल है, आपका स्वागत है, यहाँ आइए। ये गवर्नमेंट का सरकारी अस्पताल है, आपका स्वागत है, यहाँ आइए। सुबह 10 बजे ये विंडो खुलेगी, आप सुबह 4 बजे से बाहर लाइन लगाएंगे। ये जो 1 से 10 तक की विंडो है जिसमें से 7 बंद है, ये जो 1 से 10 तक की विंडो है जिनमें से 7 बंद है, बाकी की विंडो पर जाकर लाइन लगाइए और ओपीडी की पर्ची कटाइए। ये गवर्नमेंट का सरकारी अस्पताल है, आपका स्वागत है, यहाँ आइए। डॉक्टर 10 या 11 बजे तक आएगा और 2 बजे चला जाएगा। इस लाइन में भीड़ बहुत है, आप कम भीड़ वाली लाइन में लग जाइए। ये गवर्नमेंट का सरकारी अस्पताल है, आपका स्वागत है, यहाँ आइए। अरे मंत्री जी जो सबसे आगे खड़े हैं, सबसे आखिरी में आए हैं। ये मंत्री जी जो सबसे आगे खड़े हैं सबसे आखिरी में आई है। अरे बहुत तेज जुकाम है मरीजों, जरा साइड में हो जाइए, हो सके तो कल आइए। ये गवर्नमेंट का सरकारी अस्पताल, आपका स्वागत है, यहाँ आइए। और मतलब पहुंच भी गया जैसे तैसे करके। डॉक्टर बोला अरे भाई ये तो ऑर्थोपेडिक है, आपको तो न्यूरो समस्या है, जाके न्यूरोलॉजी में दिखाइए और ओपीडी की नई पर्ची कटाइए। ये गवर्नमेंट का सरकारी अस्पताल है, आपका स्वागत है, यहाँ आइए। सब कुछ होने के बाद वो फिर पहुंच गया डॉक्टर के पास, विश्रमता पूछे। डॉक्टर बोलता है कि इन्हें एडमिट करना पड़ेगा, इन्हें एडमिट करना पड़ेगा और बेड खाली नहीं है, अगर कोई सोर्स हो तो वो जाकर लगवाइए। और हाँ ये कुछ टेस्ट भी मैंने लिखे हुए हैं, ब्लड टेस्ट के साथ साथ आप एमआरआई भी कराइए। ब्लड टेस्ट में 3 महीने की, एमआरआई में 6 महीने की और बेड मिलने में 1 साल की वेटिंग है। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है मेरी मानिए तो, इन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल में दिखाइए। ये गवर्नमेंट का सरकारी अस्पताल है, आपका स्वागत है, यहाँ आइए। इस लाइन की आखिरी चार लाइन है जो शायद आप तक पहुंचेगी। इनकी हालत बहुत खराब है, इन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर दिखाइए। क्या कहा, आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं है, एक सलाह देता हूं, बीमार होने से अच्छा है कि आप मर जाइए। ये गवर्नमेंट का सरकारी अस्पताल, आपका स्वागत है, यहाँ आइए। एक और संजीदा लाइन है, वो जो बनाई थी तूने बड़े अना से, जो बनाई थी तूने बड़े अना से, वो दुनिया एक दिन बेलिहाज हो जाएगी। जो बनाई थी तूने बड़े अना से, वो दुनिया एक दिन बेलिहाज हो जाएगी। आबले नहीं पड़े तेरी जुबान पर ये कहते हुए, आबले नहीं पड़े तेरी जुबान पर ये कहते हुए कि तू छोटे कपड़ों में मत निकल, मेरी नियत खराब हो जाएगी। छोटे कपड़ों में मत निकल, मेरी नियत खराब हो जाएगी। और अपनी टूटी फूटी सुबह से उसने मिन्नतें तो की होंगी खाली, वो बच्ची तो खुदा थी, लेकिन उस पर कैसे नियत खराब हो जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारा आवाम कह रहा है कि लटका दो उन्हें चौराहे पर, वरना एक दिन ये धरती खून से लहू लुहानी हो जाएगी। वो अब जहन में भी नहीं, वो अब जहन में भी नहीं जो हर वक्त सुबह पे रहता, वो अब जहन में भी नहीं जो हर वक्त सुबह पे रहता था। वो क्या नाम था उसका, वो क्या नाम था उसका, ये भी मुझे कोई दूसरा बताता है। उसने यूं ही कहा था कि तुम मुझसे भूल ही नहीं सकते, उसने यूं ही कहा था कि तुम मुझे भूल ही नहीं सकते, ये उसने कब कहा था, ये भी मुझे अब कोई तीसरा बताता है। अरे खुदा खतरे में है तेरा वजूद कुछ कर, अरे खुदा खतरे में है तेरा वजूद कुछ कर, यहां भी कोई ये जो भटको खुदा बताता है। वो तसव्वुर में आकर, वो तसव्वुर में आकर हमसे वार मांगने लगे, वो तसव्वुर में आकर हमसे ख्वाब मांगने लगे। हमने कहा कि देश के लिए जान भी दे देंगे, हमने कहा देश के लिए जान भी दे देंगे, ये सियासी लोग तो हमसे हमारी जान मांगने लगे। और हमने पूछा कि वो सफेद कपड़ों में काले धन का जिक्र किया था, उसका क्या होता है।
उस सफेद कपड़ों में काले धन का जिक्र किया था, उसका क्या हुआ? तो वो गुस्से में कहने लगे, अच्छा अब तुम भी उनसे जवाब मांगने लगी। ये शर्म की बात है सत्ताधीशों तुम्हारे लिए, ये बहुत शर्म की बात है सत्ताधीशों तुम्हारे लिए, जब देश का लोकतंत्र ही सरकार से जवाब मांगे। इजहारे मोहब्बत को है अब लफ्जों की दरकार, इजहारे मोहब्बत को है अब लफ्जों की दरकार, कि निगाहों की जुबान यहां कोई नहीं समझ पा रहा है। इजहारे मोहब्बत को है अब लफ्जों की दरकार, कि निगाहों की जुबान यहां कोई नहीं समझ पा रहा है। और चल बसे जो मजमून भाप लेते थे लिफाफा देखकर, चल बसे जो मजमून भाप लेते थे लिफाफा देखकर, हर घर यहां भूल कर पा जा रहा है। भैया थैंक यू वेरी मच।